कहते हैं कि हम उसी शख्स से लड़ते हैं, उसी को चोट पहुंचाते हैं जिससे हम बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो शायद उस प्यार में ही खोट है, क्योंकि किसी की जान लेने का हक हमें कभी नहीं होता है, चाहे हम उस शख्स से प्यार करते हों या नफरत। जल्दी चलो। तुमने सारी बात कर ली है ना? हाँ, मेरा दोस्त वहीं रहता था, अभी कहीं और शिफ्ट हो गया है। वैसे उसने सारा बंदोबस्त कर दिया है, अब हम वहीं रहेंगे। सॉरी संचिता, तुम्हें ऐसे लाना पड़ा, लेकिन देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही जन्नत है। आओ, काय तुम्हें कितना काम पड़ा है। पहले प्यार फिर काम। अरे क्या कहीं भी शुरू हो जाते, मतलब देखो सब गिर रहा है। अरे गिरने दो, मुझ पर तुम ध्यान दो। अरे बाद में, अभी मुझे काम है। शादी की है तुमसे। क्या हुआ? तुम देखते हो ना? हाँ। पूरा सपना। और मेरी नई नवेली दुल्हन। क्या हुआ है? इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? बता ना, पति से लड़ाई बड़ाई हुई है क्या? दीदी आप भी दीदी बोलती है ना, तो फिर बता क्या बात है। पति प्यार व्यार तो करता है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे प्यार तो बहुत है, हमारा तो लव मैरिज है ना। आई को प्रवीण कम पसंद था और मुझे ज्यादा। हाँ तूने बताया था, ऑनलाइन मिले थे ना तुम लोग। हाँ, भक्ति ग्रुप में। पर अब वो सिर्फ प्रेम भक्ति में रहता है, सारा दिन बिस्तर पर। बिस्तर पे क्या, वो तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे इसमें अजीब लगने वाला क्या है, लव मैरिज है, नई नई शादी हुई है, ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा। हाँ पर दीदी, सादा प्यार भी ना कभी कभी परेशानी खड़ी कर देता है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देख, 5 साल से विडो हूँ। पति जब जिंदा था सिर्फ शराब पीता था, मारता पीटता या इधर उधर मुंह मारता था, लेकिन कभी प्यार नहीं कर पाया मुझसे। और अब हर दूसरा आदमी बिस्तर पर पति की जगह लेना चाहता है, लेकिन कोई प्यार नहीं करता। सॉरी दीदी। अरे नहीं कोई बात नहीं, चल अब। अरे आज भी दुकान बंद है। अरे एक तो कल से ना घर का फ्यूज खराब है, ऊपर से इलेक्ट्रिशियन की दुकान जब देखो तब बंद। सच में शालू बहुत दिक्कत होती है घर में, अगर आदमी जात ना हो ना तो हर छोटी से छोटी चीज खुद करनी पड़ती है। चल बाद में देख लूंगी आकर। क्या हुआ, कैसा रहा इंटरव्यू? पढ़ा लिखा नहीं हूं ना ज्यादा, और बीए की कोई औकात ही नहीं, सारे के सारे काम डिलीवरी बॉय के मिल रहे हैं। पर सुने उसके लिए भी बाइक चाहिए। खेलो, रियल टाइम है। संचिता ये इसमें तुम्हारी बाइक आराम से आ जाएगी, और कल मेरा भी इंटरव्यू है, हम दोनों साथ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुम बस टेंशन मत लो। भाभी आप फिल्म कौन सी लगाऊं, कॉमेडी, हॉरर, एडल्ट? कल की फिल्म देखी आपने, अच्छी लगी ना आपको? अरे हीरोइन ना एकदम आप ही के जैसी थी। आज की फिल्म साथ में देखें क्या? आइडिया बहुत अच्छा है, चलो आओ देखते हैं साथ में। एक झापड़ मारूंगी ना, सारा भूत उतर जाएगा फिल्म देखने का। गुस्सा बहुत आता है, गर्मी बहुत है। एक बार मैं कल आता हूँ।
आप फिल्म देख लेना भाभी, ठीक है? मैं कल आता हूँ, कल आता हूँ। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत अच्छा तरीका था इस गगन को भगाने का। अरे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। शालू कह रही थी आपके घर का फ्यूज खराब हो गया है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये यहाँ पर स्विच बोर्ड, ये वैसे बड़ी हिम्मत वाली है। हिम्मत का क्या है, जब से पति एक्सपायर हुए हैं तब से ये गगन नज़र गड़ाए बैठा है मुझ पर, बस केबल पर गंदी गंदी फिल्में चलाता है और उसके बाद पूछता है कि फिल्म कैसी लगी। खैर थोड़ा बहुत ध्यान आया। मम्मी लाइट आ गई। हाँ थैंक यू प्रवीण जी, आपने हेल्प की। दैट्स ओके, मैं चलता हूँ। संचिता गायकवाड़ आपको अंदर बुलाया कैबिन में। कम इन। मात्रे काका। अरे संचिता, आज के बाद मुझे फोन मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हें। तुमसे हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। काम वाली भाई, चल मस्ती करते हैं। आज मेरा उपवास है जी, आज ये सब नहीं। उपवास है? तो शादी क्यों की, संन्यास ले लेती। कैसे आया आई? मी बरी है शालू। क्या हुआ शालू, मुंह क्यों उतरा हुआ है? दामाद जी से झगड़ा हुआ क्या? कुछ नहीं आई, बस ऐसे ही। उनको तो पूरा दिन एक ही बात सूझती। मैं सांगितला होता ना तुला, इस ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़। पर तुझे तो उससे ही शादी करनी थी। अरे तू कब तक मेरी शादी के बारे में बुरा बोलते रहेगी, कभी तो अच्छा बोल। पति को खुश रखना हर पत्नी का धर्म होता है। अब जैसा भी है वो है तो तेरा पति ना, उसे खुश रख। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ मेरी जान, सिर्फ तुम्हारा। विशाल क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा अफेयर चल रहा है, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। क्लाइंट थे या फिर कोई और था? जैसे से मुझे घिन आती है। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी।
लड़की को गला घोट के मारा गया, गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है जो काफी चौड़े हैं। पर सर लगता है कि कल रात को ही मारा गया हो, बॉडी काफी फ्रेश है। सर बॉडी को देख के लगता नहीं कि इसका रेप हुआ है। पर हाँ सर, यहाँ बॉडी पे इंजुरी मार्क्स, हाथ पे भी। सर लगता है मारने से पहले बुरी तरह मारा पीटा गया। कुछ आइडेंटिटी मार्क्स मिले? नहीं सर, बॉडी पे कोई आईडी कार्ड, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं मिला। आसपास सीसीटीवी है क्या? इस एरिया में तो नहीं है, लेकिन आगे सिग्नल पे एक सीसीटीवी कैमरा है। ठीक, उसका फुटेज चेक करो, देखो रात में इस लड़की को किसी ने यहाँ लाया है। जी सर। और मिसिंग रिपोर्ट भी चेक करो और इसका फोटो सब पर सर्कुलेट कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। सर साथी मार दिया मैंने, मार दिया मैंने उसे। टिफिन पूरा फिनिश करना, ठीक है? चल ध्यान रखना, बाय। साला कौन है? सर, जिस लड़की की डेड बॉडी हमें डंप यार्ड में मिली थी उसकी पहचान हो गई है सर। अभय पुणे जी? हो सर, मात्रे रियल एस्टेट एजेंसी में काम करती थी, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने पहचान की। अरे ये तो संचिता है। सर संचिता मेरे स्कूल फ्रेंड देवराव की बेटी थी, मैं देवराव से ज्यादा टच में नहीं हूँ, पर मैं उसको पहचानता हूँ। सर गाँव में सुना था कि वो किसी विशाल नाम के लड़के के साथ भाग गई थी, विशाल कोई काम का नहीं निकला तो संचिता ने जॉब ले ली, मैंने भी उसे बच्ची समझकर काम पे रख लिया था। पहले पहले वो मुझसे भी डरने लगी थी। मात्रे काका? अरे संचिता तुम यहाँ? मैंने सुना तुम। काका प्लीज पापा को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, वरना बाबू हम लोगों को मार डालेंगे। सर मैंने उसे कहा था कि वो वापस अपने घर चली जाए, पर वो किस मुंह से जाती? विशाल किस तरह का लड़का था? सर अब बच्चों के बारे में मैं क्या बोलूं, बीए पास था पर संचिता से अलग कास्ट का था, गरीब था। यहाँ शहर में आने के बाद पता चला कि एक ढंग का काम भी नहीं मिल रहा था उसे, पर संचिता ने 2 महीने पहले बताया था कि उसे कोई ऑनलाइन जॉब मिल गया। ये विशाल का फोन नंबर और एड्रेस देना। जी सॉरी मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, पर आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। पक्का? पक्का। तो बताइए आपको क्या पसंद है? जो पहले यहाँ कोई विष्णु रहता था, उसने घर खाली किया तो मुझे बोला कि मेरा डिपॉजिट रख लो और मेरा थोड़ा सामान पड़ा है वो भी रख लो और ये घर मेरे दोस्त को दे दो। मैंने भी सोचा चलो ब्रोकर का झंझट ही खत्म हो जाएगा, मैंने भी हाँ कर दी। बिना पेपर देखे? साहब अभी लोग तो आते जाते रहते हैं ना। आते जाते मर्डर भी करते हैं लोग। अच्छा उसके बिहेवियर में कुछ अजीब लगा? मैं ज़्यादा मिला नहीं साहब, लेकिन शुरू के कुछ महीनों में भाड़े का बहुत नाटक था, लेकिन अचानक से भाड़ा एडवांस आने लगा। एक दो बार मैं यहाँ आया तो विशाल ने मुझे वो विदेशी पिलाई। क्या काम क्या करता था? पता नहीं, लेकिन वो बोलता था कि किसी विदेशी कंपनी में ऑनलाइन काम करता है। एक दो बार मैं यहाँ लाइट बिल वगैरह देखने आया था तो देखा बड़ा अजीब पागल आदमी था, गाना लगाकर अकेले ही नाच रहा, दरवाजा तो खोला नहीं लेकिन कपड़े खोलने लगा। संचिता का और उसका रिलेशन कैसा था? नहीं पता सर, लेकिन जिस रात वो लड़की मरी उसी शाम को उन दोनों में मारपीट हुई थी। मैं बड़े काम करो, ये संचिता और विशाल उन दोनों के अकाउंट चेक करो, पता करो इतना पैसा अचानक से आया कहाँ से। विशाल जी सर, हम क्यों रोने का नाटक कर रहे हैं? तेरे घर का जो अवतार है ना वो तो ऐसा दिखा रहा है कि तू सामान सुमान बांध के रफू चक्कर होने की तैयारी में था, अक्सर मर्डर करने के बाद लोग जो करते वैसा। नहीं सर, मैंने संचिता को नहीं मारा,
देखो हमको पता है तू उसको मारता था, उसके बॉडी पे भी मारपीट के निशान थे, और तेरे लैंडलॉर्ड ने भी देखा है तेरे को उसको मारपीट करते हुए। नहीं सर, अब पति पत्नी के बीच इतना तो चलता ही रहता है। उस दिन उसने लड़ाई करके लैपटॉप तोड़ दिया, नुकसान हुआ तो मैं भी लड़ लिया उससे। अब अगर आप होते तो आपको ही तो गुस्सा आता ना सर। इतना गुस्सा किसको मार दिया? सर मैं उस दिन नशे में था, लड़ाई के बीच में मैं लुढ़क गया था। सर एक मिनट, सर वो उस दिन जॉब छोड़कर आई थी मात्रे, उसका बॉस सर उसके साथ वो जबरदस्ती करता था। तो लेकिन वो तो उसके बाप का अच्छा दोस्त था। सर वो इसी बात का तो फायदा उठा रहा था। सर उसके घर वाले सिरोल में रहते हैं, बहुत पैसे वाले लोग, और उसका भाई सचिन बहुत खतरनाक है सर। क्या हुआ क्या? पूछो इससे, पूछो ये बाहर जाकर क्या गुल खिलाती है, पूछो। ये कमीना विशाल, इसे पढ़ाई के बहाने न जाने कौन सा पाठ पढ़ा रहा है, पूछो इसे। विशाल से प्यार करती हूं। संजीता बास, थोड़ा तो ख्याल किया होता मेरी इज्जत का। ये लड़का ना अपनी बिरादरी का है ना बराबरी का है। जान, जान। विशाल, मेरी छोड़ो। और तू आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर भी नहीं आना। सब बहुत टिपिकल गांव वाले लोग जो कभी भेदभाव मिटाना ही नहीं चाहते। शुरू हो जाने की तैयारी करो, और संजीत और बाकी सारे लोगों के मुझे कॉल डिटेल्स और सीडीआर रिपोर्ट चाहिए। सर। तुम्हें पता है मेरी बीवी ऐसे गंदा समझती दुनिया जो मेरे फैंटेसी को पूरा करती। अच्छा है ना, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। मेरे को भाव नहीं देती, इसको गले लगा रही है। आज देखता हूं इस साले को। बेटी का मर्डर हुआ है। संजीता, संजीता, माँ। विशाल ने हमें बताया था वो तुम्हारे घर आने के लिए निकली थी। आपकी कुछ बात हुई थी उससे? नहीं सर, उसके बारे में हमें कुछ मालूमात नहीं। तिसाड़ी हमसे कोई संबंध नहीं, और अच्छा हुआ वो यहाँ आने से पहले ही मर गई, वरना शायद मैं और गांव वाले मिलकर ही उसे मार देते। तुम्हारी सगी बहन थी, इतना गुस्सा? ऐसा तो नहीं तुमने उसे मार दिया और अभी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे? साहब मी तिला मार लेला नहीं, मैं उसे मारना जरूर चाहता था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारे बाप ने मारा होगा, वो नाखुश था ना इस रिश्ते से। विशाल ने बताया हमें सब कुछ। मेरे बाबा संत आदमी थे, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, बल्कि मेरी इस नालायक बहन के चक्कर में उन्होंने खुद अपनी जान दे दी। ये देखिए, ये है इनका प्यार। ये लड़की हमें पूरे गाँव में बदनाम करती फिर रही है। मैं सच कह रहा हूँ, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी है। सर संचिता ने हमें इतना बदनाम किया था कि मन तो करता था उसे कहीं ढूंढ लूं और जान से मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने मेरे बाबा को प्रॉमिस किया था। 14 सितंबर की रात को कहाँ थे तुम? घर पर। वैसे भी गांव में 9 बजे के बाद कौन बाहर निकलता है? वो वीडियो है तुम्हारे पास? साहब वो मेरी बहन के रेप का वीडियो था। विशाल उसका रेप कर रहा था, वो वीडियो अपने पास रखकर मैं क्या करता? गायकवाड़, ये रेप का क्या चक्कर है? तुम्हें क्या लग रहा है, सच बोल रहा है? ये बहन के चक्कर में इज्जत भी गई और बाप भी गया, प्रचंड राग है इंजमाना। सर मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात की, ये संचिता अपने बाप की लाडली थी, देवरा उसे बहुत पढ़ाना भी चाहता, उसके भागने का बहुत धक्का लगा हुआ और उस वीडियो ने रही सही कसर भी निकाल दी। गायकवाड़ एक बात समझ में नहीं आ रही है, विशाल अपनी बीवी का रेप क्यों करेगा? सर हो सकता है कि मैरिटल रेप, फिर भी उसे शूट करना अजीब लगा। ये वीडियो के बारे में गाँव में पूछताछ करो, पर ये पता करो ये सचिन शिरोल से पुणे आया था क्या, और आने के बाद
वो विशाल और संचिता से मिला था। इन्होंने संचिता को माफ नहीं किया है। संचिता की पोस्टमार्टम और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, गला घोट के मारा गया सर, शायद किसी लेदर बेल्ट से। टाइम ऑफ डेथ रात के 11:30 से 2:30 बजे के बीच। ऑल्सो सर, फॉरेंसिक टीम ने हमें एक और जानकारी दी है, संचिता के कपड़ों पे बहुत ज्यादा फंगस था। वो तो डंपिंग एरिया में फंगस था ना, तो संचिता के कपड़ों पे लगा होगा। सीनियर रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, संचिता रात को 10 बजे अपने घर से निकली थी, फिर माथरे के घर गई और रात को 11 बजे माथरे के घर से निकली। क्या? वो माथरे के घर गई थी? माथरे ने हमें बताया नहीं। माथरे ने हमसे ये भी छुपाया सर कि संचिता का उसने 15 कॉल्स किए थे। उसके बाद संचिता का फोन माथरे के घर तक ट्रैवल हुआ, फिर जब 11 बजे वो माथरे के घर से निकली और जहां हमें उसकी डेड बॉडी मिली वहां तक उसका फोन ऑन था, फिर बंद हुआ। इसका मतलब संचिता माथरे के घर से निकली तब वो जिंदा थी, तो ये काम विशाल ने किया होगा। सर, ये काम माथरे का भी तो हो सकता है, वरना इतनी देर रात उसने 15 बार संचिता को कॉल किया, उसके बाद संचिता उसके घर गई। सर, कहीं दोनों का अफेयर तो नहीं था? हो सकता है रिकॉर्ड, और इसके खुन्नस निकालने के लिए विशाल ने उसके साथ रेप किया। सर, पर उसने उसे मैसेज किया था मरने से पहले। वो मैसेज में तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक काम करो, संचिता का मोबाइल सर्च करो। ये विशाल ने शायद उसको मारा, मारने के बाद में संचिता के मोबाइल से खुद को SMS कर लिया हो। और ये मात्रे, इसकी कुंडली निकालो, उसके स्टाफ से पूछताछ करो। हाँ, ये सब एकदम स्मार्ट लेना चाहिए। उनके हिसाब से विशाल किसी भी तरह से संचिता के लायक नहीं था और ना ही उनके परिवार के, और बदनामी की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या तक कर ली थी। विशाल के अलावा अब संचिता का परिवार भी सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका था, लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा एंगल लगा जो इस केस को एक नया मोड़ देने वाला था। आपकी गली संचिता का मर्डर हुआ, अगर आप लोग में से कोई कुछ जानता है तो प्लीज हमें बताइए, केस सॉल्व करने में मदद हो। उसके पति ने हमें बताया था कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसने अपना जॉब छोड़ दिया था क्योंकि मात्रे ने उसे मॉलिस्ट किया। सर, संचिता की तरफ से हमने कभी कुछ नहीं देखा। हाँ, एक बार मैं केबिन में चेक साइन कराने जा रहा था तब। अरे मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगा, तू फिक्र मत कर। विशाल अगर तुझे परेशान करे तो मैं उसे 2 झापट भी लगा। काका, ऐसा लगता है कि आप हैं तो पापा साथ हैं। सर, संचिता उन्हें एक बाप की तरह कंपेयर कर रही थी और सर की निगाह कहीं और थी। सर, सर मैं सच कह रहा हूँ, वीडियोस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। सर, मैंने संचिता का रेप नहीं किया है। जो उस वीडियो की वजह से संचिता के बाप ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली, तेरे ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगाऊंगा। सर, भला मैं अपनी बीवी का रेप क्यों करूंगा? जरूरत ही क्या है सर, हम लोग साथ में रहते थे। सर, आज जबरदस्त मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सर, संचिता के मर्डर के बाद इसने अपना लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया था, हमारी IT टीम ने डेटा रिकवर कर लिया। सेक्स वेबसाइट honeymoney.com का रजिस्टर्ड मेंबर था। इसका मतलब ये लाइव सेक्स वीडियोस अपलोड करता है तो लोगों के साथ लाइव सेक्स चैट भी करता है। सर, ऐसा तो आजकल सभी करते हैं, और लैपटॉप सिर्फ इसलिए फॉर्मेट कराना पड़ा क्योंकि मेरी और संचिता की लड़ाई के बीच वो टूट गया था। तू दिमाग मत खराब कर मेरा, अगर मेरा सटक गया ना कुछ नहीं बचेगा। तेरे सारे अकाउंट चेक किए हम लोगों ने, अलग अलग अकाउंट ऑपरेट करता था तू, सारा पैसा इस धंधे से आता था ना तेरे अकाउंट में। और ये बात संचिता को पता चल गई, उसने तुम्हारा लैपटॉप मांगा, तुमने नहीं दिया, इसलिए उसने वो तोड़ दिया। गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। सर, संतोष मात्रे आए हैं। ये क्या तरीका है सर? आपको जो भी पूछना था आप वो सीधे मुझसे पूछ लेते, मेरे पीछे मेरे स्टाफ से क्यों? मात्रे, तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट ने हमें सब कुछ बता दिया तुम्हारे फ्रेंडशिप के बारे में, और बाकी सब लोगों ने बताया कि तुम संचिता को लेकर कितने ऑब्सेस्ड थे। इस उम्र में ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुमन, सर वो मेरे दोस्त की बेटी थी इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अच्छा, तुम्हारा गलत इरादा नहीं था? तो मर्डर वाली रात 15 बार उसको कॉल किया, बाद में बात हो गई, तुम्हारे घर आई, ये बात हमसे क्यों छुपाई? सर, लगता है यहाँ इन्हें सच बोलना जम नहीं रहा, मस्त लॉकअप में 3-4 घंटा मसाज करते हैं, फिर शायद जम जाए। जाओ, हेड मसाज, फुट मसाज सब हो जाएगा, चलो लेके जाओ। चला। सर, सांगतो सर, मेरे दोस्त की बेटी समझकर मैंने उसे काम पे रखा था, और सर बाद में वो मुझे अच्छी लगने लगी, मैंने बहुत ट्राई मारा पर वो मान ही नहीं रही। ये हरामी आती आपको? तेरी तो
प्यार की भाषा नहीं समझ रही है तू। तेरा बाप और तेरा भाई तेरा गला काटेंगे ना, तब तू समझेगी। वो तुम्हारे घर क्यों आई थी? सर वो आई नहीं थी, एक्चुअली मैंने उसे कॉल किया था। क्या है? मेरा ऑफर फिर से सोच ले, दोनों के लिए सही रहेगा। अपना मुंह बंद रख के मेरी बात मान ले, ऐश करेगी तो। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझ पे मॉलेस्टेशन का केस करेगी, तो मैंने उससे धमकाया कि मैं फैमिली को सब कुछ बता दूंगा, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी, पर सर वो आई नहीं। सुमन जी, आप जानती थी संचिता को? कभी बात हुई थी आपकी उसके साथ? हाँ सर, मैं उससे मिली थी, 2-3 बार ऑफिस में उससे मुलाकात हुई थी, पर वैसे अकेले में कभी उससे कोई बात नहीं हुई सर। उस रात वो आपको सच बताने आने वाली थी आपके पतिदेव के बारे में। उसे मेरी फ्लाइट थी, पुणे से मैं अपने घर 11:15 बजे के करीब कुछ पहुंची थी, और घर पर मैंने अपने पति को अकेला ही देखा। ये सब चीजों के बारे में तो मुझे अभी पता चला। तुम्हारा लाज में बाटली है सर्व करो। चुमन गप्पो बस, मासा डोक फिरो नकोस। तू मेरा सर मत घुमा, समझा ना? जिस दिन तेरे घर वो आई उस दिन सुमन जी घर पे नहीं थी, इस मौके का तूने फायदा उठाया और संचिता का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उस रात तो मैं उसे मिला ही नहीं। गायकवाड़ लेके जाओ इसको, इसका रियल इस्टेट और स्टेट इन दोनों का शेयर रेट पता करो इसका। चल सर, सर ये आप गलत कर रहे हैं। जान सर, आप ठीक नहीं कर रहे सर। 4 चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जलाए। सर संचिता के नाखूनों में खून और ब्लड के सैंपल्स मिले, लेकिन वो मात्र या विशाल से मैच नहीं करे। ऐसे कैसे हो सकता है? सर जो कोई भी है लगता है इसमें या तो अकेले संचिता को मारा है या फिर किसी के साथ मिलकर। एक काम करो, ये मात्री का ऑफिस का स्टाफ, संचिता की फैमिली और उसको जानने पहचानने वाले सबका DNA टेस्ट और ब्लड टेस्ट करो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। जी सर। यस सर। या ये देखिए सर। यस सर, इसमें विशाल के पुराने हनी बनी के वीडियोज है सर। सर इसमें विशाल और संचिता के बहुत सारे सेक्स वीडियोज है सर, किसी नॉर्मल से सेलफोन या लैपटॉप पे बनाए हुए हैं। और एक बात सर, संचिता के भाई ने जिस रेप वीडियो के बारे में बताया था ऐसा कुछ मिला नहीं इसमें सर। इसका मतलब ये वीडियो विशाल ने नहीं, किसी और ने बनाया। कौन हो सकता है? मतलब घर में किसको एक्सेस मिल सकता है? मकान मालिक? सर मेरा नाम प्रवीण नाटेकर है, मेरी वाइफ शैली नाटेकर कल से मिसिंग है। उसने बस का टिकट बुक करवाया था नासिक के लिए, पर वो पहुंची नहीं और मुझे मिसिंग कंप्लेंट लिखी। आप बैठिए, बसा बस। सर बला बरेला होता वाटर बीमार थी और मेरी छोटी बेटी का एग्जाम भी है, इसीलिए शालू ने घर आने की जिद की और कल की कल ही निकल गई, पर वो मेरे घर तक पहुंची ही नहीं। और सर उसका फोन बंद आ रहा है, सर कुछ कीजिए। वो बस में बैठी थी? हाँ सर, उसे खुद ने फोन करके मुझे बताया था। बहुत सीधी है शालू सर, बहुत डर लग रहा है, कुछ कीजिए सर। नहीं नहीं डरिए मत, डरिए मत, डिटेल दे दो। गायकवाड़ नासिक पुलिस कोऑर्डिनेट सर। ये फोटो देखकर बताओ कहीं देखा है इसे? हाँ साहब, ये थी उस दिन बस में, और इस स्टॉप पर 5-6 लोग ही उतरे थे, उसमें से ये औरत भी थी। चलो इसकी बॉडी नासिक बस स्टॉप से कुछ दूरी पे मिली। सर कौन कर सकता है सर लालू के साथ? बोली थी कोई? इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या हाल फिलहाल में किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं सर, बहुत सीधी साधी थी लालू, घर के बाहर भी बहुत कम निकलती थी। कौन कर सकता है सर इसके साथ ऐसा? शालू की पोस्टमार्टम और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से शालू की मौत हुई सर, और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में सर वो अपने पति से, माँ से और कोई नीलम दीदी नाम की लेडी से बात करती थी। लगभग रोज ही बात होती थी इन तीनों से सर। मतलब इन तीनों को पता होगा वो अपने माँ के पास जाने वाली। और कुछ डिटेल?
शालू के घर के आसपास से पता चला है कि गगन नाम का एक आदमी उसे परेशान करता। रोज दिन में उसने उसका बस स्टॉप तक पीछा किया, लेकिन वहां से वो वापस चला गया। लेकिन ये बात हमें प्रवीण ने नहीं बताई। सर हो सकता है उसने अपने पति को ना बताई, मैटर बढ़ ना जाए इसलिए। ये गगन लग क्यों नहीं सर? शालू का क्यों पीछा कर रहा था? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो शालू को ठीक से जानता भी नहीं। सच बोल, हमको सब पता है। अगर तू तेरे मुंह से नहीं बोलेगा तो ये बुलवाएगा। साहब मेरी नजर शालू की तो उस नीलम पे थी साहब। जब मुझे पता चला कि शालू के पति प्रवीण का लफड़ा नीलम के साथ मेरी नाक के नीचे हो रहा है साहब, तो मैं शालू को बताना चाहा साहब। कैसी बीवी है तू? उधर तेरा पति तेरी दोस्त के साथ रंगरलियां मना रहा है और तू इधर शॉपिंग कर रही है। अगर मेरे पति के बारे में कुछ भी बोला ना, ताले लूंगी तेरी। मेरा दिमाग घूम गया था साहब। मैं सोचा था इस लड़की को मैं सबक सिखाएगा साहब। एक दिन मैं उसको देखा अकेले जाते हुए साहब, तो उसका पीछा किया मैं। लेकिन साहब वो बस में कहीं जा रही थी, तो साहब मेरा केबल का धंधा है साहब, मैं वापस आ गया अपने काम पे साहब। आप चाहो तो चेक कर लो साहब, मेरे पंडलों को पूछ लो साहब। सर संचिता के रेप वीडियो को ट्रेस कर लिया, इसने वायरल किया। मुंबई के नाला सोपारा में रहता था ये सर, कमल कामरा नाम है इसका। इतने भी बाल नहीं आए तेरे, दाढ़ी मुछाई तभी ये वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो आनी बनी साइट्स पे जो वीडियोस होते हैं मैंने बस उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया है। डाउनलोड करने के एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला। ये वीडियो देखता है तू? किसके अकाउंट से देखा था? विशाल के? आनी बनी के अपने कलेक्शंस होते हैं। पता करो किसका वेबसाइट है और इस वीडियो का सोर्स कौन सा है। जी सर। सर मैं उस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे ईमेल आया था और उस पर शेड की वीडियो की रिक्वेस्ट थी। इस वीडियो से मुझे 25,000 रुपये मिले थे, फिर मेरा अकाउंट खोला गया जिसे मैं ऑपरेट करता था। उस पर हर एक वीडियोज़ के हिसाब से मुझे पैसे मिलते थे और मेरे और संचिता के सुबह लाइव सेक्स चैट करते थे। संचिता को बात बता दी? सर मैं उसे बताना चाहता था, लेकिन रेप वाले वीडियो के बाद वो मुझसे दूर जाने लगी थी। एक लड़की की इज्जत उसे बिना बताए बेचता रहा तू, पति और दलाल इसमें का फर्क समझता है तू? इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैंने संचिता को नहीं मारा है, वो मेरी कमाई का जरिया थी। जो कुछ है तेरे सर, हनी मनी वेबसाइट के ओनर का पता चल गया है। कौन है? प्रवीण नाटेकर। प्रवीण नाटेकर, वो शालू का पति? जी सर, हमने इस कमल के जरिए वेबसाइट के सभी वीडियोस को चेक करवाया है। प्रवीण और नीलम के कई सारे वीडियोस हैं उस वेबसाइट पर, और ये ऐप भी प्रवीण ने ही बनाया, लेकिन रजिस्टर अपनी बीवी शालू के नाम पे किया। सर फाइनली क्लू मिल गया। तुम्हारा और प्रवीण का वो हनी बनी का धंधा है ना, उसके बारे में सब कुछ पता है। शालू के मर्डर के दिन तुम बस स्टॉप पे थी, चालाक बनने की कोशिश कर रही थी तुम मुंह ढक के, लेकिन तुम्हारी ममता ने धोखा दे दिया। तुम शालू को मारने के लिए निकल रही थी, लेकिन उतने में तुम्हारे बच्ची के आने का टाइम हो गया। शालू ने मुझे कॉल किया था और उसने बोला कि उसे मेरे और प्रवीण के रिश्ते के बारे में पता चल गया। तुझे मेरा ही पति मिला था याद शिखर ने, अरे मैं तुझे दीदी बुलाती थी। चलो प्लीज मेरी बात सुन पहले ध्यान से। अरे प्रवीण से कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे, बस बिजनेस है हमारा, कमाई का जरिया है। अब तू देख मैं तेरा बिजनेस कैसे चौपट करती हूँ। मैं गई थी शालू के घर उसे समझाने, लेकिन जब घर पहुंची तो वो घर पर नहीं थी। उसे ढूंढा जब तो देखा कि वो एक बस में चढ़ रही थी, तो मैंने अपनी स्कूटर पार्क की और उसके साथ उस बस में चढ़ गई। मैं उसके साथ उस जगह पर उतरी जहाँ पे वो उतरी, और फिर उसे साइड में लिया मैंने और समझाने की कोशिश की। तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई? प्लीज एक बार मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे पास ये लैपटॉप है और इसमें तुम लोगों के कारनामे। एक तो मेरे पति ने मुझे बेच दिया, तूने भी मुझे धोखा दिया, तुम दोनों नहीं बचोगे। शालू इसलिए तुमने उसको मार दिया?
उसी दोस्त को मारा जो तुम्हें दीदी कहती थी। नाटक क्यों कर रही हो अभी? प्रवीण भी शामिल था इसमें? शालू ने कॉल किया था प्रवीण को, वेबसाइट की मीटिंग में ही बिजी थे और मुझे पता था कि वो बिजी है। तुमको जानती हो लड़की का मर्डर हुआ है, तुम रहा था इसमें? नहीं सर, मैं नहीं जानती इन लोगों को, बस एक ही बार देखा था, ये मैटरनिटी क्लिनिक में आए थे अबॉर्शन के लिए। विशाल प्लीज, हमारा पहला बच्चा है, प्लीज अबॉर्शन। सर सर, फिर वही बात, अभी बोला ना कि बच्चे के लिए पैसे नहीं है, वो तेरे को सीधी सीधी बात समझ नहीं आती क्या? प्लीज एक बार दिमाग मत खराब कर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात करनी थी आपसे। सर प्रवीण को अपने वेबसाइट के लिए हमेशा एक कंटेंट चाहिए होता है, तो मैंने देखा ये लड़का विशाल बहुत डेस्परेट है, तो मैंने उसे बस ईमेल एड्रेस दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि प्रवीण और विशाल के बीच में क्या बात हुई है। शालू के मर्डर का चार्ज लगाओ इस पर। संचिता? कौन कौन संचिता? विशाल की बीवी। मैं इनसे नहीं मिला हूँ, मेरी सिर्फ विशाल से बात हुई है ऑनलाइन, ईमेल चैट उतनी तक ही सीमित है। उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसने वो वीडियो भेज दिया और बहुत हिट भी हो गया सर, इसलिए मैंने उसे मेंबर बना दिया। ये वेबसाइट तुम्हारी खुद की है? हाँ सर, ये मेरी वेबसाइट है। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैंने सोचा मैं खुद की वेबसाइट खोल लूँ, और वेबसाइट बनाना बहुत कुछ महंगा नहीं होता। अब बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को जब तू ये इलीगल वेबसाइट और संचिता के मर्डर में अंदर जाएगा। सर भाई शपथ, सर तो मैंने संचिता को नहीं मारा है। ये शालू का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, ये संचिता को किसने मारा होगा? ये क्या, ये साफ करने बोलो सर, गंदा कर दिया। जूते, इस केस में जुड़े हर आदमी और औरत के जूते जब्त करो और फॉरेंसिक के लिए भेजो। संचिता की बॉडी हमें जहां मिली वो डंपिंग ग्राउंड था। अब डंपिंग ग्राउंड में तो फंगस होता है, अब जो भी वहां आएगा उसके जूते को तो फंगस लगेगा। सीसीटीवी में हमें जूता जरूर दिखा लेकिन चेहरा नहीं दिखा। अब जूता तो लेदर का था, लेदर का जूता तो कोई पानी से साफ नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा तुक्का था कि जितने भी सस्पेक्ट है उन सबके फैमिलियों के जूते लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना। एक जूते में फंगस निकला जो उस डंपिंग ग्राउंड का था, और वो जूता किसका था? मेरा था। अब आगे वाली कहानी तुम सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उस रात मुझे संचिता वहीं रास्ते में मिली थी, मेरे घर आ रही थी। अरे रुको 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 रुको, संचिता क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम और ये सब क्या हुआ? काकी अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई, मुझे आपको कुछ बताना था। बताओ बेटा। डोंट वरी, महात्री जी ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। आई विल रियली टीच यू माय लेसन। तुम्हारे आंसू वेस्ट नहीं होने दूंगी, मैं बात करती हूँ उनके साथ, तुम घर जाओ बेटा। नहीं काकी, अब पुलिस ही आपके और मेरे पति जैसे मर्दों को सबक सिखाएगी, मैंने डिसाइड कर लिया। सर मैंने उसे बहुत समझाया, उसे लालच भी दी, मैंने उसे ये भी कहा कि मैं उसे फिर से सेटल करने को तैयार हूँ, पर वो नहीं मानी। मात्रे डेवलपर्स, उसे मैंने और मेरे पापा ने खड़ा किया इतनी मेहनत से, और वो मेरा पति दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल के फेंक देता। मैं एयरपोर्ट से उस दिन जल्दी आ गई थी, मुझे पता था कि मेरा और संचिता का फ़ोन का लोकेशन मैच ज़रूर करेगा, इसीलिए मैं खुद ड्राइव करके अपने घर आ गई और रघु को उसके पीछे भेज दिया मैंने।
प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अब जिंदगी भर सड़ो जेल में हुँ? और एक अच्छा जेल, मजबूत जेल कैसा डेवलप करे ये सोचो। अपनों का साथ हो तो इंसान हर मुश्किल पार कर सकता है, पर कई बार डर की वजह से, कहीं अपने नकार ना दें इस वजह से इंसान सही समय पर मदद नहीं मांग पाता और उनकी हालत संचिता जैसी हो जाती है। अगर आपके अपने आप से सच बोलने से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने संबंधों में सुधार लाने की जरूरत है, डर और दूरी मिटाने की जरूरत है, तभी एक स्वस्थ परिवार बन सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। जो लड़की हर समय घर से दूर रहती है वही परफेक्ट है इस काम के लिए। लेकिन आगे का क्या प्लान है? वक्त आने पे वो भी देख लेंगे। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज की दुनिया में ज्यादातर इंसान अपनी हार से उतने दुखी नहीं है जितना कि दूसरों की जीत से। किसी के ग्लैमरस लाइफस्टाइल को देखकर हम ये मानने लगते हैं कि उसकी जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। शायद ऐसे प्रोफेशन में लोग ट्रेंड हो जाते हैं अपने दर्द को अपनी हंसी के पीछे छिपा कर रखने में, जबकि ऐसा होता है कि चकाचौंध में कई बार दर्द और स्ट्रेस उभर कर सामने नहीं आते। फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों है? काश कि जिंदगी में सवाल ही नहीं होते। यकीन नहीं होता प्रोफेशन में ली हुई ट्रेनिंग पर्सनल लाइफ में काम आ जाएगी। अपनों के सामने एक मुखौटा लगाकर रहना होगा। काव्या, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे यूनिफॉर्म में, कितनी प्यारी लग रही है। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये ले, तेरे लिए चिप्स बनाए हैं। अरे बेक्ड है, चिंता मत कर, मोटी नहीं हो जाएगी। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है माँ, मैं आ रही हूँ ना अभी थोड़े दिनों में छुट्टी लेकर के। आने के बाद फिर शादी करके चली जाएगी, तुम्हें लाज किसके साथ लड़ाऊंगी। ये ले। कैब बुक कर ली? नहीं, वो मनोज ड्रॉप कर देगा एयरपोर्ट। हाँ सैमी, अरे मैं भूल रहा हूँ ना, तू भी ले ले शेयर, मैंने खुद 10,000 शेयर लिए हुए हैं। चल बाद में करता हूँ। काव्या, जीजू आ गए। हाँ आ रही हूँ। हाँ रखना, ठीक है, बाय बाय बेटा, बाय पापा। पर इसकी शुरुआत मैंने नहीं की, पासा किसी और ने फेंका था और अब इस गेम का हिस्सा हूं मैं। बहुत कुछ सोचना है। हाय जीजू। हेलो, हाउ आर यू? हाय काव्या, हाउ आर यू? आइए सर, बॉडी वहां पर है। स्वाति। सर, इस लड़की का नाम काव्या शेठ है, एयर होस्टेस थी। थी मतलब? हाँ सर, रिकॉर्ड्स के मुताबिक काव्या ने 1 महीने पहले रेजिग्नेशन दिया था, अब वो हमारे साथ काम नहीं करती। हमें काव्या के फैमिली की और घर की डिटेल्स चाहिए। सर, काव्या का होम टाउन सूरत ही है, तो मैं आपको डिटेल्स भेज देती हूँ। Yeah.
जॉब छोड़ दिया था, पर वो तो 3 दिन पहले ही मुंबई के लिए निकली थी। मुंबई से सिंगापुर फ्लाइट में ड्यूटी थी उसकी। मैं आ रही हूँ ना अभी थोड़े दिनों में छुट्टी लेकर के। ऐसे कैसे हो सकता है? इनफैक्ट मनोज जीजू उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। चल बाद में करता हूँ। काव्या जीजू आ गए? हाँ आ रही हूँ। काव्या शादीशुदा थी? जी नहीं, दोनों एंगेज्ड, लेकिन अगले महीने ही शादी होने वाली। आपकी आखिरी बार बात कब हुई काव्या से? फ्लाइट के दौरान अक्सर वो अपना फोन बंद रखती है और मैसेजेस के थ्रू बात करती है। ये देखिए, हाँ ये काव्या ने जॉब छोड़ दी थी, ये बात उसने आपको क्यों नहीं बताई? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि काव्या ये जॉब कैसे छोड़ सकती थी। देखो काव्या, मनोज के पास अब पैसे नहीं है, उसे प्रॉपर्टी से भी अलग कर दिया गया, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक डूबती हुई कश्ती पे सवार होने की कोई जरूरत है। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है ना। अरे बेटा, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, बिना पैसे के गृहस्थी कैसे चलाओगी तुम? देखिए पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से करूंगी, और फिर मेरी जॉब भी तो है ना, और अकेडमी के एंडोर्समेंट से पैसे भी आते हैं, हम कर लेंगे मैनेज। इस अकेडमी के एंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं आप? सर, लर्न एंड फ्लाई एयरोस्टेस ट्रेनिंग अकेडमी, काव्या ने वहीं से एयरोस्टेस की ट्रेनिंग ली थी। कंपनी ने काव्या को अपना फेस बनाया था, कंपनी के पैम्फलेट में उसकी फोटोज भी है। सर एक सेकेंड, ये देखिए सर, काव्या इसी जॉब के भरोसे अपनी आगे की जिंदगी बिताने वाली थी। हमें काव्या का मोबाइल तो नहीं मिला, उसका मोबाइल नंबर देंगे? काव्या के लिए जॉब इतनी इंपॉर्टेंट थी तो उसने वो जॉब छोड़ी क्यों? सर हो सकता है कि एकेडमी के एंडोर्समेंट से अच्छे पैसे मिल रहे हो, इसलिए जॉब छोड़ दी उसने। हो सकता है गुप्ता, लेकिन अगर जॉब छोड़ ही दी थी तो यूनिफॉर्म में घर से निकलना? मुंबई सिंगापुर एयरलाइन में ड्यूटी है, ये नाटक कर ये ऐसा क्यों करेगा? एक काव्या की डिटेल्स निकालो और उसका फियांसे मनोज मेहता उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। गुड इवनिंग सर। सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी, और इसमें बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। क्या जॉब छोड़ दी? सर एंगेजमेंट के बाद उसने एक बार जिक्र किया था कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन काबे में उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को घर पे बैठा के रखे। लेकिन मनोज, शादी के बाद दोनों चीजें कैसे मैनेज करूंगे मैं? कौन काव्या, मैं जानता हूँ तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। See, I don't want to be selfish. मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पे बैठो। I just want you to fly higher. और वो मान भी गई थी सर, लेकिन उस दिन की बात से इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं निकला। आपने उसे एयरपोर्ट छोड़ा, उसके बाद आपकी उससे कब बात हुई थी? सर उसका मैसेज आया था कि वो मुंबई पहुंच गई है, और उसके बाद उसका गुड नाइट का मैसेज आया था। आपने उसे रिप्लाई नहीं किया? सर वो बिजनेस में काफी स्ट्रेस चल रहा है, तो शायद दिमाग से निकल गया होगा। कैसा स्ट्रेस? हमारा डायमंड्स का काम है सर, और डायमंड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग आंगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और सुमेन देसाई नाम का मेरा एक बहुत पुराना आंगड़िया था सर। पिछली बार जब मैंने उसको डायमंड्स का पार्सल दिया तो सर उसी दिन से वो गायब है सर। मैंने उसकी FIR भी लिखवाई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं सर, क्योंकि उसमें व्यापारियों के करोड़ों के डायमंड्स हैं सर। मतलब इसी हादसे के बाद काव्या के पेरेंट्स शादी नहीं करवाना चाहते? मनोज के पास अब पैसे नहीं है, बिना पैसे के गृहस्थी कैसे चलाओगी तुम? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से करूंगी। लेकिन काव्या ये शादी करना चाहती, तुम्हें कोई अंदाजा है कि काव्या के ऊपर उसके फैमिली की ओर से कोई दबाव हो रिश्ता तोड़ने के लिए? काव्या ने तो कुछ ऐसी बात कही नहीं मुझे कभी। काव्या के साथ हमारा अग्रीमेंट,
ये पूरा अमाउंट आपने उसे दे दिया था? नहीं, अभी सिर्फ 50,000 दिए थे, बाकी के ईयरली 4 किस्तों में दिए जाते। काव्या की किसी के साथ कोई दुश्मनी जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे? कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही उससे लास्ट मुलाकात हुई थी, बाकी उसकी लाइफ में क्या चल रहा था वो हमें पता नहीं है। सर, हो सकता है कि एंडोर्समेंट के अमाउंट की वजह से काव्या ने अपने जॉब छोड़ने की बात छिपाई। इन काव्या अपने जॉब छोड़ने वाली बात अपने घर वालों से और अपने मंगेतर से क्यों छुपाएगी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकेडमी को सच्चाई के बारे में पता चल गया हो और इसलिए काव्या को? तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते गुप्ता, इतनी सी बात के लिए कोई मर्डर नहीं करेगा। हाँ स्वाति बोलो। काव्या की किसी भी फ्लाइट में कोई बुकिंग नहीं है। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में मनोज के ड्रॉप करने के बाद काव्या ने एक कैब ली, उस कैब के डिटेल्स हमने आरटीओ भेजा है, कुछ देर में डिटेल्स मिल जाएंगे। गुड, मुझे अपडेट करते रहना। हेलो सर, सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी और बहुत अच्छा है सर, इसमें बहुत अच्छी स्कीम भी चलती है। सर, सर काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उसके सिर पर किसी भारी चीज के मारने की वजह से हुई। कोई फिजिकल असॉल्ट? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च की शाम को काव्या की मर्डर हुई। 22 मार्च की शाम को? लेकिन काव्या के पेरेंट्स को 23 तारीख तक मैसेजेस आए काव्या के फोन से और उसके मंगेतर को 22 की रात को काव्या के मोबाइल से गुड नाइट का मैसेज आया। इसका मतलब जिसने काव्या को मारा है उसी ने काव्या के पेरेंट्स को और उसके मंगेतर मनोज को मैसेजेस किए। एक काम करो, काव्या के मोबाइल की लोकेशन और उसकी डिटेल्स निकलवाओ और उसके मोबाइल को सर्वेलेंस पे डालो। हाँ सर, हाँ हाँ मिल जाएगा सर आपको माल। अरे अरे सर, आज शाम तक मिल जाएगा आपको पक्का। हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का। सर, काव्या शुरुआत में तो अपने काम को लेकर सीरियस थी, पर धीरे धीरे उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा हो। उसने कभी कोई परेशानी का जिक्र किया? नहीं सर, पर मलेशिया में हमारे हॉल्ट के दौरान। गुड नाइट। गुड नाइट। या पैसेंजर हमारे साथ फ्लाइट में था, शायद हमारे पीछे पीछे उसने सेम होटल में चेक इन किया। हमने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की पर एयरलाइन वालों ने कहा कि वो एक्शन लेंगे और सबको पता था कि वो कोई स्कैंडल नहीं चाहते तो इस मामले को ऐसे ही दबा दिया। कुछ दिनों बाद काव्या ने जॉब छोड़ दी। तुमने काव्या से आखिरी बार बात कब की? सर, काव्या के रेजिग्नेशन की खबर के बाद उसको कई फ़ोन किए थे पर उसने एक भी फ़ोन पिक नहीं किया। अगर दोबारा कोई पूछताछ में आपकी हेल्प चाहिए होगी तो हम आपको फोन करेंगे। उसने मेरी वजह से हमसे ये बात छुपाई कि उसने नौकरी छोड़ दी ताकि मुझे बुरा ना लगे। आखिर उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा था? एक तरफ नौकरी छोड़ बैठी थी और दूसरी तरफ मनोज से शादी करने की जिद पर लड़ी थी। क्या ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी? इंस्पेक्टर साहब, जब ये शादी तय हुई थी तब मनोज के ऐसे हालात नहीं थे। काव्या के परिवार की डिटेल्स निकाली? जी सर, पूरी डिटेल निकाली। भाई विक्की स्मॉल टाइम स्टॉक मार्केट प्लेयर है, बहुत सारे बिजनेस में हाथ आजमा चुका है पर कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की एक रिच डायमंड बिजनेसमैन से शादी करे, ये थोड़ा सा असामान्य। क्या दोनों की कहानी? सर, मनोज काव्या को फ्लाइट में मिला था और उन दोनों के बीच प्यार हो गया, लव मैरिज तो ऐसे ही होता। ये तो ही मनोज की खबर, उसके परिवार की डिटेल निकालो। जी सर। काव्या एक 24 साल की लड़की जिसका एक हंसता खेलता सुखी परिवार था। पुलिस कातिल का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। हाँ, इस मैडम को एयरपोर्ट से पिकअप किया था और होटल जीकेपी पैलेस के बाहर इन्हें ड्रॉप किया था। साहब, ये मेहता फैमिली है ना, प्रोड्यूसर्स धंधे में, और इनके बाप सूर्यकांत के बाद दोनों भाई बिजनेस संभालते थे और सुना है कि डायमंड की वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा भी हुआ। सर, मनोज ये इल्जाम लगा रहा है कि डायमंड के गायब होने के पीछे उसके बड़े भाई राज का हाथ है और राज का कहना है कि डायमंड गायब करने का कारण मनोज है। सर, खबर ये भी है कि राज ने मनोज को घर से बाहर निकाल दिया है, प्रॉपर्टी का कुछ केस चल रहा है और सर इस मनोज ने हाल फिलहाल में लोन लिया था कुछ काम करने के लिए। सर, आपको पता है आप कितने डिफरेंस की बात कर रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंस हजारों और करोड़ों के बीच का है सर।
और काव्या को मार के मुझे क्या मिलने वाला है सर? उसकी जरा सी कमाई से मेरा कुछ होने वाला नहीं था। इससे ज्यादा पैसा तो हम लोग अंगड़ियों को दे देते हैं और लोग हमारे पास इतना पैसा छोड़ के जाते हैं सर। सोमेन देसाई भी अपना कमीशन मेरे पास छोड़ के जाता था कई बार। कैसे हो सोमेन भाई? एकदम बढ़िया। और धंधा पानी कैसे चल रहा है? हाँ, धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। अरे हो जाएगा गरम, बस ये काम करते रहिए। सोमेन भाई। हाँ बोलिए। आपका पिछले बार का कमीशन? अरे मनोज भाई मरवाओगे क्या, इतना पैसा लेके मैं ट्रैवल नहीं करता कभी। रख दो, बाद में लेके जाऊंगा। सर सोमेन मेरा वफादार अंगड़िया था सर, बहुत टाइम से मेरे साथ काम कर रहा था। देखिए सर, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ सर। अगर वो डायमंड्स नहीं मिले तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं काव्या को क्यों मारूंगा सर? मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ सर। ठीक है जाइए। सर सर, हो सकता है कि काव्या का मर्डर मनोज की वजह से हुआ, या फिर कोई ऐसा है जो मनोज को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। सोमेन मिसिंग केस की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। सराफा बाजारों में विश्वास पर ही काम होता है। आंगड़िया ये सराफा मार्केट का एक ऐसा लिंक है जो सोना चांदी डायमंड और कैश जैसे जोखिम भरे काम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से भीड़ में शामिल हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये अपने सर पर करोड़ों का जोखिम लेकर चल रहे हैं। रूम 2 दिन के लिए बुक किया था और सारा पेमेंट भी कैश में कर दिया था सर। और सर उसी शाम को काव्या मैडम होटल से बाहर गई, फिर वापस नहीं आई सर। 24 तारीख तक उनका सामान रूम में ही था। 24 तारीख को ही मैंने मैडम को फ़ोन भी किया लॉग आउट पूछने के लिए, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। तो जनरली जब किसी गेस्ट से संपर्क नहीं हो पाता है तो हम उनका सामान लगेज रूम में शिफ्ट कर देते। हमें काव्या सेठ का सामान दिखाइए। लैपटॉप को चेक करने के लिए लैब में भिजवा। सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर, आइए मैं दिखाता हूँ। ये लड़की तो एकेडमी में थी ना विनीता, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप काव्या से मिलने गई थी? सर वो मैं काव्या के मर्डर की न्यूज़ सुन के डर गई थी सर। काव्या ने मुझे होटल के लैंडलाइन से फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। क्यों बुलाया था? एक्चुअली काव्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हमने उसे ओरिएंटेशन डे पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। मेरी माँ का सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, क्योंकि जब उन्होंने ये ख्वाहिश अपने पेरेंट्स को बताई तो उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि एक लड़की के लिए शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। एंड आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कभी तो कहा होगा ऐसा। और फिर उन्होंने उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद घर बच्चे इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो इतना बिजी हो गई कि उनका ये सपना पीछे छूट गया। बट थैंकफुली आज के दौर में हम लड़कियों को हमारा सपना पूरा करने का हक मिलता है। लेकिन जमाना इतना भी नहीं बदला जितना हम सोचते हैं। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम अपना शहर छोड़कर अपना घर छोड़कर दुनिया का सामना करते हैं। तब हमें पता चलता है कि असली दुनिया से लड़ाई क्या होती है। तब हमें हमारी बाउंड्रीज खुद तय करनी होती है, अपने लिए खुद लड़ना होता है। डोंट वेयर अ मास्क ऑफ अ हैप्पी फेस, बिकॉज इफ यू डू सो यू आर नॉट फूलिंग अदर्स, you're just fooling yourself. सर इस इंसिडेंट के बाद हमें बहुत लॉस हुआ था। लोगों ने अपने एडमिशन भी विड्रॉ कर लिए थे
हमने काव्या के साथ एग्रीमेंट टर्मिनेट कर लिया था। काव्या ने सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया था और बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। मैंने उससे यही कहा था कि मैं विनय से बात करके बताऊंगी। आपको ज़रा भी अजीब नहीं लगा कि उसने आपको होटल में मिलने क्यों बुलाया? क्या उसने बताया कि वो होटल में क्यों थी? सर, उसने तो यही कहा था कि उसकी एक दो घंटे में फ्लाइट है। विनीता जी, आपको ज़रा भी ताज्जुब नहीं हुआ कि वो घर पर भी हॉल्ट कर सकती थी, वो होटल में क्यों थी? सर, मैंने इतना नहीं सोचा। काफ़ी गहरी चोट है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? मैडम, आप थोड़ा जल्दी करेंगे, मेरी माँ अकेली है घर। ये पुलिस कैसे है? और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पर इसका एहसास हमें तब होता है जब हम अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर दुनिया का सामना करते हैं। तब हमें पता चलता है कि असली दुनिया से लड़ाई क्या होती है। तब हमें हमारी बाउंड्रीज खुद तय करनी होती, अपने लिए खुद लड़ना होता है। क्या हुआ सर? तू लड़की जॉब छोड़ सकती है, लड़कियों को आवाज उठाने की सलाह दे रही है, वो थोड़े से पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू क्यों करेगी? सर, मार्केट में ये भी खबर है कि काव्या के भाई और पिताजी को स्टॉक मार्केट में बहुत नुकसान हुआ था और इसलिए काव्या के लिए ये पैसे बेहद इंपॉर्टेंट थे। ये बात करने के लिए वो विनीता को होटल में क्यों बुलाएगी? सर, हो सकता है कि विनीता के ऊपर वो इंप्रेशन डालना चाहती हो, ये कह के कि दो तीन घंटे बाद फ्लाइट है, ताकि विनीता को ये लगे कि वो अभी जॉब कर रही है। लेकिन विनीता के जाने के बाद काव्या भी कहीं बाहर गई थी, इसके बाद वो कहाँ गई होगी? एक काम करो, होटल के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है कि काव्या ने किसी और को भी वहां से फोन किया हो। ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, मनोज के भाई राज के खिलाफ कंप्लेन हुई। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा पैर फिसल गया था और मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। देखो मुक्ति, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम कंप्लेन करोगी तो ही हम कोई एक्शन ले पाएंगे। नहीं मैम, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। क्या मैं घर जा सकती हूँ? मुझे बहुत पेन हो रहा है। हो गई आप सबकी तसल्ली? चलो मुक्ति। सर, मैं 100% श्योर हूँ ये होम वायलेंस का केस है। कई चोट तो काफी पुराने हैं, ये औरत हर रोज टॉर्चर होती है। फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। ये राज की बैकग्राउंड चेक करो। आना छोड़ने से क्या होगा, काव्या तो वापस नहीं आएगी। मेरे सपनों ने निकल लिया उसे। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि जो मैं नहीं कर सकी वो मेरी बेटी करे बस। पापा, आप ही समझाओ ना मम्मी को। ना तुम अपना सपना उस पे थोपती, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। सर, होटल के फोन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग विनीता के बाद काव्या ने किसी और को फोन नहीं किया। लैब से लैपटॉप के डेटा का कोई रिपोर्ट? सर, डेटा अनलॉक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टीम को बोलिए टाइम कम है, शायद उस डेटा से हमें कोई लीड मिल जाए। काव्या के फोन रिकॉर्ड का क्या हुआ? सर, काव्या के फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग होटल के बाद काव्या मनीष नगर गई, उसके कुछ घंटे बाद मेन मार्केट सेक्टर 15 गई और उसके दूसरे दिन MG रोड गई, जहां से उसके परिवार को लास्ट मैसेज किया गया और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इन सभी लोकेशंस पे काव्या के फोन से फैमिली को मैसेजेस गए, सिवाय ये मनीष नगर। यहां पर मैसेजेस आए स्वाति, ये मनीष नगर ही हमारा क्लू है। पता करना पड़ेगा कि काव्या मनीष नगर गई थी क्यों। मनीष नगर? हम तो वहां किसी को नहीं जानते। सर, काव्या मनीष नगर क्यों और किस लिए गई होगी हमें नहीं पता। सर देखिए, मैं नहीं जानता कि वो मनीष नगर क्यों और क्या करने गई थी। हाँ, हमारी एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी उसने। सोच के अजीब लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सर फ्लाई आई एयरलाइंस के ट्रैवलर की डिटेल्स मिल गई है। समीर पारेख नाम है उसका, सूरत का रहने वाला, पुलिस स्टेशन बुलाया उसे। काव्या के साथ मेरी फ्लाइट में काफी बातचीत हुई थी, मुझे पता चला कि वो भी सूरत की है। अच्छी लगी सर मुझे वो, और नशे की हालत में मैं उसके पीछे पीछे उसके होटल के रूम में चला गया। लेकिन सर, मैंने उसे एयरलाइंस को रिटर्न अपोलॉजी भी दी थी, मैंने कहा था कि मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। क्या हुआ, क्या था उसे? शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। तो क्या क्या कहा था तूने?
पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब? वो कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको खुद फोन करूंगी। क्या मैडम, पैसे बढ़ाने तो खुल के बोलो ना, आज मूड बना हुआ है, मूड खराब मत करो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, अपना एड्रेस दीजिए। तुम्हें एक बात बताओ, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हें नहीं पता कि काव्या के मन में क्या चल रहा है? अब आप मम्मी पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो ऐसे ही परेशान है। अगर मुझे पहले से ही पता होता उसके मन में क्या है, तो ये हादसा होने से रोक नहीं लेती क्या मैं? नंदिनी, एड्रेस है हाउस नंबर 55, वीआईपी कॉलोनी, तुम्हें वहां पहुंचना है। यस मैम, मैं पहुंच जाऊंगी। समीर से काव्या को पता चला कि तुम लोग एकेडमी के नाम पर क्या कर रहे थे। काव्या। हाँ जी। अरे इतना क्या भाव खा रही है? तू तो वो लर्न एंड फ्लाई एयरोस्टेस एकेडमी में काम करती हो ना? छोड़ो मुझे। वहां से मैंने काफी लड़कियों को बुलाया। क्या बदतमीजी है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। सर, काव्या ने मुझे होटल बुलाया था और जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ तुम ये काम बंद कर दो। देखो काव्या, हमने कभी भी तुम्हें अपने इस रैकेट में शामिल नहीं किया है, और जो लड़कियां काम के साथ साथ पैसा कमाना चाहती है वो खुद हमारे साथ ये एग्रीमेंट करती हैं। देखो, मैंने आपकी अकेडमी से ट्रेनिंग ली है, मैं इसका नाम बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैंने पुलिस को फोन लगाया। रुको, 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 रुको। पुलिस को फोन मत करो, मैं विनय से बात करती हूँ। और इसीलिए तुम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, हम तो उसे पैसे ऑफर करने वाले थे, पर इससे पहले कि हम कुछ करते उसके मर्डर की खबर आ गई। गुप्ता, इन दोनों को जेल में रखो और देखो कि कब तक सच नहीं बताते। जी सर। और स्वाति, साइबर सेल को बोलो कि लैपटॉप को बारीकी से चेक करें। राइट सर। हेलो सर, सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी। पहले तो तू ऐसा नहीं था, ये अचानक मारापीटी क्यों करने लगा? अभी तक तो मुक्ति ने कोई कंप्लेन नहीं की है, अगर उसने कर दी। कोई एहसान नहीं कर लिया, उल्टा मैं एहसान कर रहा हूं उसे घर से ना निकाल के। सर, काव्या के ऑनलाइन ड्राइव पे ये वीडियो मिला, ये देखिए। काव्या शेठ के केस में पुलिस के सामने एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे थे, और तभी पुलिस को एक और कड़ी मिली। किसी ने पुलिस को अपने घर की बिल्डिंग के पीछे पड़े खाली प्लॉट से बदबू आने की शिकायत की, और जब पुलिस वहां पहुंची डायमंड की वजह से मैं सड़क पे आ गया हूं। मैं सोमेन को क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि सोमेन के पास करोड़ों के डायमंड्स हैं। तुमने पहले सोमेन को मारा और फिर वो डायमंड्स भी रख लिए। सर, मैंने सोमेन को नहीं मारा है सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है सर। इस वीडियो में तुम ही हो ना, ये भी कोई साजिश है। सर, सर ये वीडियो तो मैंने सर काव्या के कहने पर बनाई थी सर। मतलब? सर, काव्या मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा थी सर। कैसा प्लान? सर, मैं और मुक्ति नहीं चाहते थे कि हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता चले। मैं फ्लाइट में एक लड़की से मिला था, काव्या नाम है उसका। अरे सुनो तो सही, देखो वो एयर होस्टेस इस काम के लिए वो एकदम परफेक्ट रही, जो पूरे टाइम काम में बिजी रहेगी। तो सोचो वो रहेगी अपनी ट्रिप्स पे, हम लोग अपने ट्रिप्स। लेकिन आगे का क्या प्लान? वो वक्त आने पे देखेंगे।
सर, प्लान के मुताबिक मैंने काव्य को प्रपोज किया और कुछ ही दिनों में हम लोग शादी करने वाले थे सर। काव्या अपनी फ्लाइट्स में बिजी रहती थी और हमारी मैसेजेस पे बात होती थी सर। प्लान के मुताबिक मैंने उसको कहा कि इस वीकेंड पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रिसोर्ट में जाने वाला हूँ, लेकिन इस बार काव्या ने मुझे सरप्राइज देने की सोची। सरप्राइज! सर, इस बात के लिए काव्या ने मुझे कभी कन्फ्रंट तो नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरे और मुक्ति के अफेयर के बारे में मेरे भाई राज को बता दिया और उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया सर। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मुक्ति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मुझे तब हैरानी हुई जब काव्या ने मुझे फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई को वो गुमनाम कॉल किसने किया था? देखो मुक्ति और मैं अलग हो चुके, तुम उसे क्या चाहते हो? तुम्हारे घर की बदनामी ना हो इसलिए इस अफेयर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मुझे मेरी एकेडमी की एक फ्रेंड ने बताया, एकेडमी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। शायद इसी वजह से मैंने अपने एक करीबी को खो दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम अकेडमी का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो। मैं क्या मदद कर सकता? तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, बस एक बार मुझे असलियत का पता चल जाए, फिर चाहे तो तुम सामने से आकर मेरी फैमिली को शादी के लिए मना कर देना, लेकिन तब तक हमें शादी का नाटक करना पड़ेगा। सर, मैंने काव्या को नहीं मारा है सर। सर, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। किस करीबी की बात कर रही थी वो? सर, वो तो मुझे नहीं पता सर। सर, सर आपसे कुछ बात करनी है। सर, सोमेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सोमेन के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया, मौत का कारण ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, जैसे काव्या के केस में। मर्डर का पैटर्न सेम है, पॉसिबल है कि दोनों का मर्डर किसी एक ही आदमी ने किया होगा। ऐसा एक आदमी है जिसे उन दोनों की मौत से फायदा हो सकता है। मनोज और मुक्ति के बारे में तुम्हें काव्या ने फोन करके बताया था क्या? वो फोन काव्या ने किया था मुझे? तो मत कर। पहले तूने सोमेन को मारा, उसके बाद अपने भाई पर डायमंड्स की चोरी का इल्जाम लगाया और उसे अपने घर से और अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। मैंने उसे घर से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरा भाई होकर भी उसने मेरे घर पे आग लगाई। फिर मैंने सोमन को नहीं मारा। फिर तूने काव्या को मारा ताकि मनोज फंस जाए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर, ये सब आपकी थियरीज है। अगर सबूत है आपके पास तो लाइए, मैं यही बैठा हूँ। इन दोनों भाइयों की बराबर खिदमत करो। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन करीबी था जिसे काव्या ने खोया था। अकेडमी से काव्या का कोई करीबी? वो तो काव्या की बेस्ट फ्रेंड नेहा ही हो सकती है, दोनों पक्की सहेलियां थी, एक दूसरे को अलग करना नामुमकिन था। एयर होस्टेस एकेडमी में दोनों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी। गुड इवनिंग सर। सर, हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी और बहुत अच्छा है सर। ये ले बेटा। आंटी, आपके हाथ के खाने में ना मेरा कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, ऐसा रहेगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, दोनों इतनी मेहनत जो करती हो। आप लोगों के चक्कर में ना हफ्ते में 6 दिन डाइटिंग मेरी भी हो जाती है। और आगे तू एक दिन तो अच्छे से खाने दो। अरे खाना पूछ ले। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि नेहा ने सुसाइड कर लिया। कुछ दिनों के बाद नेहा के पापा की भी डेथ हो गई। काव्या नेहा की डेथ के बाद बड़ी गुमसुम सी रहने लग गई थी। वो नेहा की मौत का सच जानना चाहती थी, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि नेहा ने सुसाइड किया है। काव्या डिप्रेशन में ना चली जाए इसलिए हमने उसे मुंबई भेज दिया था। लेकिन सर, ये सब तो 2 साल पहले की बात है, काव्या के मर्डर से ये सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो पता लगाना कि क्या कनेक्शन है। नेहा की फोटो है आपके पास? जी। काव्या की फ्रेंड नेहा भी तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग ले रही थी ना, क्या हुआ था नेहा के साथ? सर, उसने तो सुसाइड किया था। और काव्या को नेहा की मौत का सच पता चल गया इसलिए तुमने काव्या को भी रास्ते से हटा दी। सच सच बताओ, उस दिन होटल में तुम्हारे और काव्या के बीच में क्या हुआ था? बताओ। बताती हूँ। सर, उस दिन होटल में और नेहा के साथ क्या हुआ था? मुझे मालूम है वो सुसाइड नहीं कर सकती। नेहा के सुसाइड से एक दिन पहले नेहा और शगुन एक कॉल पर गए थे। शगुन ने हमें बताया था कि उसके साथ वहां जबरदस्ती हुई थी। कौन था वो?
कहाँ भेजा था उसे? तुम मुंह नहीं खोलोगी ना अपना, जो तुम अब भी पुलिस को फोन करके सब कुछ बताती। और वो मनीष नगर में रहता है ना? हाँ। बोल सब। काव्या अचानक एक दिन मेरे घर पे आ गई थी। तूने मेरे फ्रेंड का रेप किया? रेप? मैं? कौन फ्रेंड? नेहा। मैं नेहा की बात कर रही हूँ। अरे तेरी दोस्त खुद लोगों के घर पे जाती थी, यहाँ भी आई है। लेकिन मैंने उसका रेप नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि तुम एकेडमी का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो। तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। फ्लाइट में एक लड़की से मिला, देखो वो एयर होस्टेस, इस काम के लिए वो एकदम परफेक्ट है। विक्की? अरे क्या बात है, तुम इस धंधे में हो? मुझे तो पता ही नहीं था। कमाल विक्की, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें भाई समझती हूँ विक्की। ए सुन भाई, मैं सिर्फ काव्या का हूँ और तू यहाँ पे यही सब करने आई है ना? क्या कर रहे हो विक्की? स्टॉप विक्की, स्टॉप। विक्की काव्या का भाई, तू उसे कैसे जानता है? विक्की और मैं काफी बिजनेस प्लानिंग साथ में किया करते थे। काव्या विक्की की बहन है, वो तो मुझे उस दिन पता चला, वो भी शौक थी। विक्की मेरा भाई, विक्की नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? तेरा भाई है तो नहीं कर सकता क्या? रुक मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ। सैमी के कॉल के बाद जब मैं वहां पहुंचा, आइए। काव्या तू तो मुंबई में थी ना, यहाँ कैसे? समीर क्या कह रहा है? तूने नेहा का रेप किया है? समीर ये सब क्या हो रहा है? ये नेहा बीच में कहाँ से आ गई? मुझे शर्म नहीं आती ना, ऐसे कैसे कर सकता है तू नेहा के साथ? गलती हो गई मुझसे, नशे में था। गलती हो गई तुझसे? गलती हो गई? और वो जो डायमंड तेरी अलमारी में मुझे मिले वो भी गलती थे? मैं यहां सोच रही हूं कि तुझसे इस बारे में बात कैसे करूं। ओहो, मतलब इसको डायमंड्स के बारे में भी सब पता है? देख तू किसी से कुछ नहीं कहेगी तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। मैं स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ गमा के बैठा हूं। मुझे लगता था कि तू मनोज को मानता है इसलिए उससे घुलता मिलता है। मुझे क्या पता था कि तू झोंक की तरह उससे चिपका रहता है ताकि सही टाइम आने पे उसे लूट सके। तुम दोनों की सारी सच्चाई पुलिस को बताऊंगी मैं। काव्या की बॉडी को हमने समीर के घर पर ही रखा और मैंने उसके फोन से अलग अलग जगह जाके मैसेजेस किए। सोच ही रहे थे कि बॉडी का क्या करें, फिर हमें मौका मिल गया और हमने बॉडी को सुनसान जगह पे फेंक दिया। सुमिन को कैसे मारा? कैसे पता चला कि उसके पास डायमंड्स हैं? बोल। सर मैं मनोज से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कराना चाहता था पर वो इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर हमेशा टालता ही रहता था। इसी चक्कर में मैं उसके आगे पीछे घूमता था। फिर एक दिन मैंने सुमन को उसके साथ देखा। मैं जानता था कि सुमन डायमंड्स की डिलीवरी करता है। फिर मैंने समीर को फोन किया और हमने उसका पीछा किया। क्या है भाई, ऐसी गाड़ी चला दे? तेरे लालच के चक्कर में तूने एक लड़की का रेप किया, उसकी हत्या की। इतना ही नहीं, अपनी बहन को मारने में भी तू भागीदार बना। जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन तूने तो रिश्तों का ही गला घोट दिया। क्या बिगाड़ा था?
क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? पता तुमने ऐसा क्यों किया? बोल बोल क्या बिगाड़ा था उसे? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया तू? ये भगवान मुझे बर्बाद हो गया रे। पापा पापा आप तो मेरी बात सुनिए। सब कुछ खत्म कर दिया। क्या 2 दिन काफी होंगे फैसला लेने के लिए? क्या नेहा की मौत का कारण एकेडमी में चल रहा ये रैकेट है? क्या मैं सही करने जा रही हूँ? क्या विकी को मनोज और मेरे रिश्ते की असलियत पता है? अगर नहीं भी पता तो उसने मनोज से डायमंड्स चुराए। मैं अपने ही भाई की गलती को कैसे सही कर सकती हूँ? फैसले लेने इतने मुश्किल क्यों होते हैं? दुनिया में अच्छे बुरे दोनों रास्ते हैं। ये हमें तय करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मनोज मेहता और मुक्ति मेहता ने अगर अपनी मर्यादा का ख्याल किया होता तो वो लोग एक षड्यंत्र नहीं रचते। विक्की शेठ की नीयत अगर साफ होती तो वो अपनी बहन की सहेली जो उसे भाई मानती थी उसका रेप नहीं करता। अगर विक्की ने पैसों का लालच ना किया होता तो वो कत्ल और हीरों की चोरी नहीं करता। जिंदगी जीने के लिए खुशियां जरूरी है, परिवार का साथ जरूरी है, प्यार जरूरी है। इसलिए इंसानियत और प्यार को बढ़ावा दें, ना कि दौलत और दिखावे को। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।